दोस्तों, यदि आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। यदि आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। यदि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। और ये सारी बातें मैंने जिस किताब से ली हैं, उस किताब का नाम है सुपर फाउंडर्स, जिसे लिखा है अली तैमा सेब ने 2021 में, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और जिन्होंने 10 बिलियन डॉलर्स कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, बहुत ही शानदार वीडियो है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 लेसन्स जो सुपर फाउंडर बनने के लिए जरूरी हैं। ये लेसन आपकी कंपनी को भी बिलियन डॉलर कंपनी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं शानदार किताब के शानदार सफर पर। पहला लेसन, बहुत सारी धारणाएं और बहुत सारे मिथ आपको अपने सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब तक ये माना जाता है कि बहुत सारी धारणाएं ऐसी हैं जो किसी भी बड़ी कंपनी को बनाती हैं। जैसे फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब के बारे में धारणा है, या फिर व्हाट्सएप, स्नैपचैट, वर्डप्रेस जैसी कंपनियों के फाउंडर्स के बारे में धारणा है कि ये सारे कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। दोस्तों, इन धारणाओं के पीछे कोई विज्ञान काम नहीं करता। लेखक ने, अली तैमा सेब ने 30,000 डाटा पॉइंट्स इकट्ठे किए 5 सालों के अंदर और जानने का प्रयास किया क्या वाकई कॉलेज ड्रॉपआउट से बड़ी कंपनी बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने पाया मात्र 1/3 लोग ही कॉलेज ड्रॉपआउट से, बाकी सारे के सारे लोग, किसी के पास अच्छी यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री थी, किसी के पास पीएचडी की डिग्री थी और किसी के पास अन्य कॉलेजों से, जो नेशन में, जो राष्ट्र में 100 की रैंकिंग पर भी नहीं आते थे, कोई ना कोई अच्छी डिग्री थी। तो दोस्तों, इस बात से इस धारणा का निर्मूल हो गया कि कॉलेज ड्रॉपआउट से बहुत बड़ी कंपनी, बिग डॉलर कंपनी, बिलियन डॉलर कंपनी या फिर यूनिकॉर्न बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, दूसरी बात है एज की। आम धारणा है कि लगभग 25 साल की उम्र में ही एक ऐसा आइडिया व्यक्ति के दिमाग में आता है जो बीज बनता है किसी बड़ी कंपनी बनाने के लिए, किसी यूनिकॉर्न बनाने के लिए। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो एक मीडियन एज, एक एवरेज 1 बिलियन डॉलर कंपनी की बनाने को आती है 34 साल। 40 साल की उम्र में एरिक ने जूम जैसी कंपनी का निर्माण किया। तो इसलिए एज भी कोई प्रिडिक्टर नहीं है बड़ी कंपनी बनाने को लेकर, ना एजुकेशन है, ना एज है और ना फाउंडर्स हैं। बहुत सारी धारणाएं इस तरह की भी हैं कि ज़्यादा फाउंडर्स यानी एक से ज़्यादा लोग यदि किसी कंपनी को बनाते हैं तो उन्हें फंडिंग अच्छी मिलती है, वो ज़्यादा कामयाब और बड़ी कंपनी बनती है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि यदि ज़्यादा फाउंडर्स किसी कंपनी को बनाने में होंगे तो उनका दिमाग ज़्यादा काम करेगा, 1 और 1 11 होंगे। लेकिन दोस्तों, इस बात का उल्टा अर्थ भी हो सकता है, इस बात का नुकसान भी हो सकता है कि पावर के सेंटर एक से ज़्यादा बन जाएंगे और ये बात हमेशा फायदेमंद नहीं होती कि एक से ज़्यादा फाउंडर किसी कंपनी के हों। दोस्तों, लेखक ने अपनी रिसर्च में ये पाया कि 20% बिलियन डॉलर्स कंपनी के फाउंडर सिंगल होते हैं, सोलो फाउंडर होते हैं। तो यानी इस बात की धारणा पे भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता कि बहुत सारे फाउंडर ही मिलकर किसी कंपनी को अगर बनाएंगे तो उनको जल्दी से फंडिंग मिलेगी, वो ज़्यादा बड़ी कंपनी बनने में कामयाब होगी। दोस्तों, ये तीनों ही प्रेडिक्टर, एज, एजुकेशन और फाउंडर की संख्या से इस बात का कोई संबंध नहीं है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी बनेगी। दूसरा लेसन, ए सक्सेसफुल आइडिया नीड टू बी बैक्ड बाय पैशन एंड नीड। जी हाँ दोस्तों, इस बात का अर्थ ही है कि यदि कोई आपके पास ऐसा आइडिया है जो लोगों की समस्याएं दूर करने में काम करता है, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और वो बैक्ड बाय है पैशन और नीड के, जरूरत और आपका जुनून उसके पीछे काम करते हैं, तो निश्चित ही आप एक बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब होंगे। टिंडर कंपनी सिंगल की समस्याओं को दूर करती है, यूट्यूब कंटेंट के लिए जाना जाता है और फेसबुक कम्युनिटी के लिए, सोशली लोगों को मिलाने के लिए जाना जाता है, एयरबीएनबी ट्रैवलर्स के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप किसी समस्या को समझकर उसके इर्द गिर्द काम करेंगे, आप पूरे जुनून के साथ उसका पीछा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपकी कंपनी बड़ी बनने से रुक जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप किसी ऐसी समस्या को कैटर करें, किसी ऐसी समस्या का समाधान खोजें जो मास की समस्या है, पूरे यूनिवर्स में जिस समस्या का समाधान अब तक निकल नहीं पाया है। यदि आप उसका समाधान खोजने में कामयाब हो गए और आपने
उसका पीछा एक जुनून की हद तक किया, तो मैं दावे से कहता हूं कि आप एक बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब होंगे। आपको फंडिंग भी मिलेगी, आपकी कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी बनने से भी नहीं रुकेगी। तीसरा लेसन, अंडरस्टैंड द मार्केट एंड अंडरस्टैंड व्हाई योर आइडियाज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दोस्तों, यदि आपने मार्केट को समझ लिया, लोगों के मिजाज को समझ लिया, ये समझ लिया कि लोग खरीदते क्यों हैं और लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, और आपका आइडिया किस तरह से और लोगों से अलग है, तो निश्चित ही आपका आइडिया क्लिक करेगा और एक बड़ी कंपनी आप बना पाएंगे। दोस्तों, एक पुराना चलता हुआ आइडिया और एक नया आइडिया, ये दोनों ही कंपनियां कामयाब हो सकती हैं, बशर्ते कि आपके काम करने का तरीका और चीजों को देखने का तरीका अलग हो। मार्केट के अंदर विटामिन्स की गोलियां बनाने वाली कंपनी भी चलती हैं और मार्केट के अंदर पेन किलर्स गोलियां बनाने वाली कंपनी भी चलती हैं। दोस्तों, यहाँ पर विटामिन की गोलियां बनाने वाली कंपनी का अर्थ ये है कि जो आपकी कॉस्मेटिक नीड को, आपकी इच्छाओं को, आपके शरीर की ताकत लाने के ऊपर काम करती हैं, और पेन किलर बनाने वाली गोलियों की कंपनी से मतलब ये है कि जो आपकी किसी समस्या को दूर करने का काम करती है। यहाँ पर इस बात का अर्थ क्योर और प्रिवेंशन को लेकर भी कह सकते हैं, एक समस्या को ठीक करती है और एक समस्या को आने से रोकती है। तो दोस्तों, दोनों तरह के ही आइडिया काम करते हैं। प्री एग्जिस्टिंग आइडिया जो कभी फेल हो चुके हैं वो भी काम करते हैं, और नए तरीके से काम करने वाले आइडिया भी काम करते हैं कि कैसे आपने लोगों की समस्याओं को समझकर, उसको एक अलग नज़रिए से देखकर उसे आगे लेकर जाना है और एक समस्या का समाधान बनना है। लेसन 4, समटाइम्स काउंटर इंट्यूटिव मूव पेव्स ऑफ। दोस्तों, इस बात का अर्थ ये है कि बहुत बार समय का बड़ा महत्व होता है। एक चीज़ आपने अगर टाइम के हिसाब से लॉन्च की है तो वो क्लिक हो जाती है, और एक चीज़ को यदि आपने टाइम से बहुत पहले निकाल दिया है तो वो फेल हो जाती है। जनरल मैजिक कंपनी ने 1995 के अंदर स्मार्टफोन लॉन्च किया था, वो फेल हो गया, और उसके ठीक 12 साल के बाद जब एप्पल ने अपना स्मार्टफोन निकाला तो वो बिग हिट बन गया। दोस्तों, फेसबुक से पहले भी बहुत सारी सोशल मीडिया वेबसाइट आई, ओरकुट जैसी, और गूगल सबसे पहला सर्च इंजन नहीं था, उससे पहले भी बहुत सारे सर्च इंजन आए लेकिन नहीं चल पाए। दोस्तों, टाइमिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके किसी प्रोडक्ट के क्लिक होने पर या फेल होने पर। दोस्तों, वार्बे पार्कर ने आई ग्लासेस की इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, उससे पहले जितने भी बड़े गेंद थे तो बड़े महंगे दामों के अंदर आंखों के ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस बेचते थे। उन्होंने बीच के सारे माध्यमों को ख़त्म कर दिया, वो डायरेक्ट कंज्यूमर के हिसाब से कस्टमाइज बनाने लगे और उन्हें बेचने लगे। उनके रेट बड़ी कंपनियों से बहुत ज़्यादा कम थे। ये कैसे संभव हो पाया और उन्होंने टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल किया और किस तरह से उन्होंने टाइमिंग को अपने फेवर के अंदर कर लिया, इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी कामयाब कंपनी बनेगी। तो दोस्तों, समय का किसी भी कंपनी के, किसी भी उत्पाद के, किसी भी सर्विस के हिट होने पर और फेल होने पर एक बहुत बड़ा योगदान होता है। पांचवा और अंतिम लेसन, इफ़ यूर प्रोडक्ट इज टू गुड देन यू डोंट वरी अबाउट फंडिंग। यदि आपके प्रोडक्ट के अंदर दम है तो आपको किसी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है और ना ही फंडिंग के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। दोस्तों, यदि आपको विश्वास है कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत है कि वो किसी समस्या का समाधान बन रहा है और यूनिवर्सली लोग उसे पसंद कर रहे हैं, तब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रोडक्ट को कोई फंडिंग नहीं चाहिए, आप अपने कम पैसों से भी अपने प्रोडक्ट को फ्लोरिश कर सकते हैं। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन 100% इक्विटी आपके पास ही आपकी कंपनी की रहेगी। आपको किसी को शेयरिंग नहीं देनी होगी और आपके स्टेक होल्डर्स को भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, यदि आपके प्रोडक्ट के अंदर ताकत है, दम है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक समय आएगा जब आप भी बिलियन डॉलर कंपनी के मालिक बनेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 शानदार लेसन जो सुपर फाउंडर नामक किताब एली टमेसब द्वारा लिखी हमें देती है। यदि आप चाहते हैं कि और लोगों को भी पता लगे कि एक बड़ी कंपनी कैसे बनती है और फंड रेजिंग कैसे होता है और बहुत सारी मिथ और मिसकंसेप्शन इस बारे में दूर हो कि कैसे कंपनियां बड़ी होती हैं, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, और यदि आपको ये अच्छी लगी है तो आपको इसे शेयर भी अवश्य करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।